10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। संसद में जब राहुल गांधी ने अडानी पर बोला हमला, तो सर पकड़कर बैठ गए मोदी और शाह। जी हां, आपको पता चले कि पिछले साल इसी दौरान जब संसद का सत्र चल रहा था, तो राहुल गांधी ने संसद में अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने उन उद्योगपतियों का नाम लेते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया था। सबसे पहले आपको हम राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस दौरान उन्होंने अंबानी और अडानी पर जमकर हमला बोला था। शक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है, उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है, 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी के बढ़ते संपत्ति को लेकर संसद में मुद्दा उठाया था। लेकिन अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी शनिवार को कहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि अडानी अंबानी समूह की कंपनियों के शेयर कीमतें जबरदस्त उछाल का एक बुलबुला है जो जल्दी फूट जाएगा।